नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। रुक जाना नहीं, सफलता की राह पर बढ़ते जाने के प्रेरक मंत्रों में से आज एक और चुनिंदा कहानी, जो कि है आशीष कुमार उत्तर प्रदेश के। रुके न तू, थके न तू। लीजिए सुनिए। मैं आशीष कुमार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। वर्ष 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम और हिंदी साहित्य विषय के साथ रैंक 817 के साथ चयनित हुआ हूँ। यह मेरा 9वां और अंतिम प्रयास था। इससे पहले 5 मुख्य परीक्षा और 2 इंटरव्यू दे चुका था। उन्नाव जिले के मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। मेरी पूरी पढ़ाई गांव व उन्नाव जिले में ही हुई है। गणित विषय के साथ स्नातक, इतिहास विषय के साथ परा स्नातक हूँ। मैं कभी भी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ, प्रायः द्वितीय श्रेणी में ही पास होता रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ कि सिविल सेवा में आने का मेरा बचपन से सपना रहा है तो गलत होगा। दरअसल एक आम ग्रामीण परिवार की तरह मेरी इच्छा बस एक अदद सरकारी नौकरी तक ही थी। इसलिए मैंने पहले वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से शुरुआत की थी। उन दिनों में ही सिविल सेवा के बारे में पता चला तो मैं 2009 से ही इस परीक्षा में बैठने लगा। तमाम रिश्तेदारों मित्रों ने मजाक उड़ाया कि एक नौकरी तक मिलती नहीं, सीधे IAS बनने का ख्वाब देखने लगे। घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इसे सौभाग्य कहें या मेहनत कहें, मुझे 23 साल की उम्र में ही सरकारी नौकरी मिल गई। इससे पहले भी मैं 17 साल की आयु से ट्यूशन पढ़ाकर काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका था। सरकारी नौकरी मिलने से आर्थिक संबल तो मिला, पर अब समय कम पड़ने लगा। 1 साल अध्यापक की नौकरी, 1 साल ऑडिटर कर्मचारी चयन आयोग के बाद 2010 में एक्सरसाइज एंड कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी के साथ मैंने एक दिवसीय परीक्षाएं देना बंद कर दिया। अब इकलौता लक्ष्य सिविल सेवा था। मेरी नौकरी गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात में होने के चलते हिंदी से जुड़ी सामग्री मिलना ज़रा मुश्किल था। धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित हुईं। सिविल सेवा में लगातार उतार चढ़ाव लगे रहे। 2010 में मुख्य परीक्षा, 2011 में इंटरव्यू, 2016 में फिर प्रारंभिक परीक्षा फेल होना मुझे कुछ हद तक अंदर से तोड़ चुका था। 2017 में अंतिम बार सिविल में बैठना था। पिछले अनुभव से कमजोरियों को दूर करते हुए अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया। अंततः मुझे अपना नाम चयनित सूची में देखने को मिला। रैंक अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली, पर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से चीज़ों के सुखद पक्ष को देखने की आदत है। इस साल मुझे हिंदी साहित्य में 296 अंक मिले। इसका श्रेय साहित्य के प्रति अपने रुझान को दूंगा। इस किताब के पाठकों से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा कि मैं मुखर्जी नगर दिल्ली से दूर बगैर कोई कोचिंग किए नौकरी करते हुए सिविल सेवा में सफल हुआ हूँ। इसलिए तमाम मिथकों जैसे अच्छे विश्वविद्यालय, महंगी कोचिंग, बहुत मेधावी होना की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हर साल UPSC में कम संख्या में ही सही, पर बेहद सामान्य परिवेश में पले बढ़े हम जैसे लोग सफल होते ही हैं। निशान जैन को अनंत धन्यवाद देना चाहूँ। उनकी स्वर्णिम सफलता हिंदी माध्यम के सैकड़ों सफल उम्मीदवारों की तरह मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। आशा है इस कहानी ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।